खबर प्रयागराज जनपद से है, जहां थाना घोरपुर पुलिस द्वारा मोबाइल लूट छिनैती ठप्पेबाजी करने वाले गिरोह के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। तबारा मोबाइल फोन एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक जमुना पार प्रयागराज द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक यमुना पार व एएसपी क्षेत्राधिकारी कर्षणा के निर्देशन में थाना अध्यक्ष घोरपुर मुकेश कुमार चौबे के नेतृत्व में चौकी प्रभारी कर्मा उप निरीक्षक अखिलेश कुमार सिंह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से लूट छिनैती ठप्पेबाजी चोरी के 12 अदद मोबाइल फोन व 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग नैनी थाना कर्षणा व घोरपुर थाना क्षेत्र के भिन्न भिन्न इलाकों से मोबाइल फोन की छिनैती व ठप्पेबाजी करते हैं। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त गड़ोह में राजेंद्र कुमार पटेल पुत्र कुंभकर्ण विकास पटेल पुत्र राम कैलाश पटेल बाल कुमार पुत्र लाल बाबू पटेल जयंती प्रसाद पुत्र रामजीत पटेल राजकुमार पुत्र बालकरण पटेल थाना घोरपुर मुरादपुर प्रयागराज के निवासी हैं। वहीं संतोष उर्फ अर्जुन पुत्र राम कैलाश शर्मा थाना घोरपुर प्रयागराज नरसिंहपुर का निवासी है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक भुवनेश्वर कुमार चौबे थानाध्यक्ष घोरपुर तथा उनके साथ ही उप निरीक्षक अखिलेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी कर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रयागराज जनपद से राज्य की रिपोर्ट। पकड़े गए हैं कितने मोबाइल फोन बरामद हैं? थाना घोरपुर के अंतर्गत आज कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग एक गिरोह के सदस्य हैं। ये लोगों से मोबाइल चोरी व छिनैती का काम करते हैं। इनके पास से कुल 12 मोबाइल बरामद हुए हैं तथा एक मोटरसाइकिल जो ये लोग इस लूट और छिनैती में यूज करते थे उसको बरामद किया गया है। इन सभी लोगों को माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। अभी तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आगे भी कार्रवाई जारी है। अगर इस गिरोह से संबंधित हम लोग मामले को खंगाल रहे हैं, अगर इसमें कोई और व्यक्ति मिलता है तो उसको गिरफ्तार। कैसे छिनैती करते थे ये लोग? चोरी और छिनैती घटनाएं करते थे, कहीं से दुकानों से या कोई जो बाजार में गए हुए लोग हैं उनसे कई बार कोई फोन पे बात कर रहा है उससे छीन कर मोटरसाइकिल से का यूज करते हुए उससे कोई जा रहा है उसके रास्ते से बैग से निकाल कर इस तरह से इन्होंने कई जगह घटनाओं को किया है। हम लोग कुल अभी तक 12 मोबाइल बरामद कर पाए हैं। उम्मीद है कि इसमें अभी और भी मोबाइलों को बरामद किया जाए। इसमें कुछ लड़के कम होने के भी समझ में आ रहा है, क्या ये लड़के सभी बालिग हैं या ऐसे कुछ नाबालिग? इस समय इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सभी बालिग हैं, लेकिन इसमें जो जानकारी मिली है एक व्यक्ति पहले भी एक बार नाबालिग होने की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया था करीब 2 साल पहले, और उस समय भी उसके पास से 30 मोबाइल बरामद हुए थे, और अभी वो बालिग है, उस समय वो नाबालिग था, इस वजह से उस पर नाबालिग की तरह से कार्रवाई की।